हेलो दोस्तों, आप लोग का यसडीडिंग में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पूरा पूरा अल्जेब्रा का मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। अगर इतना कर लेते तो 110% आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 30+ इसमें से आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो। इसके रिलेटेड आ सकता है, सेम यही क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फुल गारंटी है। सेम यही क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस हो सकता है कि इसके अंदर से कुछ नंबर चेंज हो सकते हैं, बट इसी के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। 6 चैप्टर का बताता हूँ, ध्यान से देखना और अपना टेक्स्ट बुक निकाल के रख लो और टिक मार्क करते चले जाना। फटाफट टिक मार्क करते चले जाना, पूरा लेसन का, 6 लेसन का बता रहा हूँ, फटाफट टिक मार्क कर लेना। क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर 21 PYQ सब कुछ देखने के बाद तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, इसमें जो जो चीज़ बताते चल रहा हूँ सबसे पहले वो चीज़ करते चले जाओगे तो कंप्लीट होते जाएगा। आप लोगों इसमें से ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। उसके बाद देखो एक्टिविटी वाला, सबसे पहले एक्टिविटी वाला जो जो बता रहा हूँ उसको करते चले जाना। अब इसमें से ये देखो एक्टिविटी दिया गया, ये क्वेश्चन इसको अच्छी तरीके से करके रखो। और इसमें से देखो, इसमें से आप लोगों को कौन सा करना चाहिए वो चीज़ बता। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन करो, एक ये क्वेश्चन करो, वेरी वेरी IMP क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद एक करना रहे तो ये देखो, ऐसा देखने में लगता है बट ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस इसको आप लोगों को सिंपल सा है, x और y टर्म में अच्छी तरीके से लिख के एक इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर से करके रखो। उसके ग्राफ वाला आप लोगों को सिंपल से, ग्राफ वाला देखो, ग्राफ वाले में आप लोगों को सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप लोगों को सिंपल से ए वाला करके रखो। यही ग्राफ कर लोगे तो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, एक ग्राफ करके रखो। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा भर लेना कि आप लोगों का हमेशा 1, 2, 1, 2 या 0, 1, 2 या 0, बस इतना। ज़्यादा बड़ा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं रहेगा मेरे भाई। अब देखो इसमें से कौन कौन सा आप लोगों को करना चाहिए, क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से करो। और इसमें से आप लोगों को करना चाहिए ए वाला 6वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो, 6वां। उसके बाद पहला कर लो और एक आप लोग इसमें से कौन सा कर लो, देखो एक इसमें से दूसरा कर लो। बस बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उसको करते चले जाओ। देखो यहाँ पर भी दिया गया, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद देखो ए वाला क्वेश्चन, देखो ए वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के बाद हार्ड लगता है बट बहुत इजी है। इसको करके रखो और एक इसमें से ए वाला, बस आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। और देखो एक वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ये चीज। अब उसके बाद कौन सा करना चाहिए सर वो बता दो, ध्यान से देखना। आप लोग को एक सॉल्व में ये करके रखना चाहिए। अगर एक कर ले रहे हो ना तो आप लोग का पूरा पूरा इसके रिलेटेड जो भी आएगा आप कर सकते हो। और इसमें से एक्टिविटी वाला सब करना है, ध्यान से सुनना, ये करके रखो। एक्टिविटी ए वेरी वेरी IMP है, याद रखना जो बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट रिपीटेड है, क्रैमर्स रूल के थ्रू है। अब इसमें से कौन कौन सा करना चाहिए सर वो बता दो। देखो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करते चले। देखो सबसे पहले पहला एक्टिविटी आप लोग करो, उसके बाद अगर करना तो ए वाला करो। और इसमें से देखो, इसमें से एक ए वाला करके रखो, एक पहला करके रखो। और उसके बाद एक कौन सा करो, ध्यान से देखना, ध्यान से एक 4वां वाला करके। बस यहाँ पे जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंस, नंबर चेंज हो सकते हैं बट ए क्वेश्चन 110% इसी के रिलेटेड आने वाले हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इसको करना, इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद यहाँ पर ये अगर यहाँ सॉल्व एग्जांपल कर ले रहे हो ना तो एक्सरसाइज से करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखोगे आप लोगों को यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया, सेम एक्टिविटी दिया गया, इसको आप लोगों को भरने आना चाहिए। अब देखो इसमें से कौन सा सर किया जाए, सबसे वेरी वेरी IMP। देखो पहला करके रख लो, पहला और एक तीसरा, पहला तीसरा अच्छे तरीके से करके रखना, पहला और तीसरा करके रखना बस। और जो एग्जांपल बोला उसको कर लेना। और उसके बाद कौन सा सर करना चाहिए देखो ध्यान से देखते रहना, इधर से कुछ भी नहीं करना है। और आगे आ जाते हैं
1.5 से देखो, 1.5 से कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है उसको सबसे पहले ये क्वेश्चन करो ए, और उसके ए करने की जस्ट बात क्या करना है यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन जो फादर वाला है उसको अच्छी तरीके से करो, जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना, बाद में होगा कि सर आप बता दे बाकी मैंने किया था, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आप लोगों को सिंपल से एक कौन कौन सा बोला, पहला बोला, और उसके बाद एक यहाँ पे तीसरा बोला, पहला और तीसरा वेरी वेरी आईएमपी है, इसको करके रखना। उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में से आप लोगों को सिंपल तरीका क्या करना रहेगा, याद रखना जो जो बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये जो दिया गया है एमसीक्यूज उसको करके रखो, एक्टिविटी जो दिया गया उसको कर लेना, और बाकी तो सब आप लोग ऑलरेडी करके रखो, उसका टेंशन मत लो, और एक्टिविटी इसमें से करते जाना। एक्टिविटी ए वाला देखो, एक्टिविटी इसको करके अच्छे तरीके से बस भरने, और जितना बोला जाए उतना ही आप लोग उसमें भरना, एक्टिविटी कर डालो। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए देखो ध्यान से, और एक ए वाला देखो, एक ए एज वाला जो है क्वेश्चंस वेरी वेरी आईएमपी है, याद रखना। अब आ जाता है दूसरा लेसन, दूसरे लेसन में से कौन सा करना चाहिए, देखो एक तो ये करके रखो पहला, पहला, और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसके लिए क्वेश्चंस इसके रिलेटेड पूछा जाता है, इसके लिए बोल रहा हूँ इसको करके रखना। उसके बाद आप लोग को और एक्टिविटी देखो, के का फाइंड आउट करने के लिए एक के का मान के थ्रू आएगा तो आएगा, के का मान पूछेगा आप लोगों को फाइंड आउट करके देना रहेगा, याद रखना के से एक क्रैमर्स रूल, एक के का मान आप लोगों को फाइंड आउट, डिटर्मिनेंट आप लोगों को एक्स और वाई का मान पूछेगा, एक ये क्वेश्चन करो। और उसके बाद देखो इसमें से आप लोगों को सिंपल सा देखो, सिर्फ फार्मूले पे रखा गया, इसमें से आप लोगों को सिंपल सा पहला वाला अच्छी तरीके से करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको डिसाइड करना, डिसाइड करना किस तरीके से है कि नहीं, एक बार बस आप लोगों इसमें से ए वाला करके रखो, ए वाला करके रखो, ये बस आप लोगों को डिसाइड करना एक ये क्वेश्चन छठवां, सिर्फ एक बार देखना, और इसमें से ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, बस याद रखना ईजी है, एक बार देख लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो एक के का मान पूछा है, पांचवा क्वेश्चन और एक छठवां, अच्छी तरीके पांचवा छठवां वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से इसको करके रखना। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए आपको देखो, इसमें फैक्टराइजेशन मैथड से आप लोग को सिंपल से देखो, इधर से आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कहीं से भी फैक्टराइजेशन मैथड आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से आप लोग को कौन सा करना चाहिए, सबसे पहले देखो एक तो ये पहला करके रखो, पहला करने के बाद जस्ट एक ए वाला कर लो, दो क्वेश्चन कर लो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ए कर लो, और एक एक्टिविटी वाला कर लो बस। और उसके बाद आप लोगों को कौन सा करना चाहिए देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और ए फैक्टराइजेशन, दो मेथड दिया गया, दोनों में से कोई भी जिससे बोला जाएगा उससे आपको पेपर में करना रहेगा, याद रखना जिससे बोला जाएगा, ये दोनों आप लोग एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना दोनों मेथड से। अभी कभी कभी क्या होता है बस फैक्टराइजेशन मेथड पूछ लेता है तो ईजिली हो जाता है, इसमें से आप लोग को कौन सा प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ पहला कर लो, और पहला करने के बाद आप लोग सिंपल से ये वाला कर लो, दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रख लो। अब उसके बाद देखो इससे क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, याद रखना ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी फोर ए सी अपॉन टू ए, इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी है, बस आप लोगों सिंपल सा पहले इसका मान निकालो फिर डायरेक्ट मान पुट आउट करो, इजिली निकलेगा, टेंशन मत लेना, इसको अच्छी तरीके से करके जाना, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसके रिलेटेड देखो ए वाला भी करके रखो, अब उसके आगे देखोगे आप लोगों को सिंपल तरीका ये सब करके एक एक बार नज़र मार लेना, बट यहाँ से देखो वैल्यू निकालना है ए बी सी का, बस आप लोगों को सिंपल सा इसमें से एक ए वाला करो और एक ए, और सॉल्व द यूजिंग फार्मूला, सिंपल सा आप लोग इसमें से पहला करके रखो, पहला और एक पांचवा और एक तीसरा, तीन क्वेश्चन दे ही आओ याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आगे आप लोग को क्या करना रहेगा, इसमें से एक्टिविटी का जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले ए वाला जो क्वेश्चन है देखो इसको करके रख लो, और डिटरमाइन इसको आप लोग एक बार एक्टिविटी जो बेसिस है उसको देख लो,
अब देखो ये क्वेश्चन इसको करके रखो इसको। अब उसके बाद आप लोग को एक्टिविटी जो बेसिस हैं ये फार्मूला प्रूफ दैट किया गया है, एक ए बॉक्सेस करके रखना, छोटा सा एक्टिविटी है इसको करके रखो। आप लोग को ये क्वेश्चन कहाँ गए, रुको, ये क्वेश्चन में एक ए के का मान फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, इसको करके रखना। और आप लोग को देखो इससे दो क्वेश्चन पूछा है, और नीचे आओगे तो ये क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज से पूछा गया, एक्सरसाइज में देखो इसमें से आप लोग ए दोनों एक्टिविटी देख लेना आप लोग को कहाँ गए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज देखो ये सब आप लोग को एक्टिविटी जो बेसिस दिया गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एक्टिविटी दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। और फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट दिया गया, इसको फाइंड आउट करने का अच्छी तरीके से आना चाहिए, आप लोग को उधर बताया। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन एक दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको करके रखना के का आप लोग को अच्छी तरीके से। और एक के का मान, जो के का मान के रिलेटेड है उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा था अल्फा प्लस बीटा सब उसमें पूछा गया था, उसको आप लोग करना, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लेना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसको देख लेना, जो जितना बताऊं उसको देख के अच्छी तरीके से रखना। अब देखो इधर से क्वेश्चंस कौन सा आप लोगों को करना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम में देखो, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन एज वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ एज वाला अच्छी तरीके से आप लोगों को करके रखना रहेगा एज वाला। और देखो यहाँ पर भी दिया गया है एक विवेक का, और उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो इसमें जो जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से, एक दसवां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके रखना, और एक आठवां याद हो गया समझ गया। उसके बाद और आगे आ जाओ, एक्टिविटी जो बेसिस दिया गया उसको करना है, और प्रॉब्लम सेट में से एमसीक्यूज करके रखो बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए एज वाला अच्छी तरीके से करके रखना, देखो एक ये क्वेश्चंस एक करके रखो, और एक ये देखो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को टकराने वाला 110%, नंबर चेंज हो सकता है बट क्वेश्चंस सेम रहेंगे याद रखना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से क्या करना चाहिए आप लोग को ध्यान से देखना, देखो सॉल एग्जाम्पल एक बार देख के जाना। देखो नेक्स्ट टर्म बोला गया यहाँ पर, इसको एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे देखो दिया गया डिफरेंस, इसको करके रखना, और इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा इसको कर लेना। देखो ये दोनों अच्छे तरीके से करना, बहुत इम्पोर्टेंस है ये दोनों। और एक्टिविटी ये तीनों करके जाना, एक्टिविटी तीनों करके जाना पहले बता रहा हूँ। और इसमें बीसवा टर्म बोला गया है, देखो एक दो तीन चार पाँच, ये सब बहुत इम्पोर्टेंस है, जो जो बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ इसको करके ही जाना। अब उसके आगे आप लोग को देखो एक फार्मूला इस पे क्वेश्चन आता है, यस एन के फार्मूले पे, यस एन के फार्मूले पे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो आना कंपलसरी है। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रखना, और यहाँ पर एक दिया गया है, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेना, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेना। अब इसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखो एक्टिविटी बेसिस पूछा गया, एक्टिविटी बेसिस भी आप लोग इजीली निकाल लेना। पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया, एक्टिविटी बेसिस दिया गया, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके देखो ये वेरी वेरी आईएमपी पहला ही क्वेश्चन, देखो
ये क्वेश्चंस और ये वाला और ये अच्छी तरीके से आप लोग करो, और नीचे एक एक्टिविटी दिया गया इसको करके रखो, ये वाला एक्टिविटी और यहाँ पे छठवां। और आगे और आगे यहाँ पर ए वाला अच्छी तरीके से तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। और अंदर से कर चुके हो तो कोई ज़रूरत नहीं इस साइड से भी करने की, एक्टिविटी बस आप लोग देख के रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग का आप लोग को क्या करना चाहिए देखो, ये जो एक्टिविटी है सब देखते चले जाना, याद रखना एक्टिविटी जो भरने वाला है उसको कर लेना। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक दिया गया है इसको करना, देखो इसमें GST ये दोनों फाइंड आउट करने के, CGST और SGST दोनों फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है रेट। इसके लिए आप लोग इसको थोड़ा सा इसके फार्मूले से याद करके रखना, और फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इसीलिए पहला आप लोग इसमें से पहला करके रखो, और एक आप लोग को कौन सा करके रखो यहाँ पर ये जो दिया गया दूसरा इसको करके रख लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते देखो, इसमें देखो ये मिस्टर रोहित वाला है इसको देख लेना, प्रैक्टिस सेट 4.4.2 में आप लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग का ही है, तो इसमें से जो करना रहेगा तो करना, बट जितना मैं बता दिया उतना अगर कर ले रहे हो तो भी क्लियर है। इसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, शेयर शेयर होल्डर्स क्या हैं इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना, और ये फार्मूल ये अच्छी तरीके से जान लेना क्या कंपेयरिंग का है, ये अच्छी तरीके समझ के रख लेना। देखो यहाँ पर दिया है सम इन्वेस्टेड, इसको अच्छी तरीके से जो फार्मूला है उसको अच्छी तरीके से देख लेना, कंपेयर करने वाला अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पर छोटा छोटा सोल्यूशन कोई बड़ा नहीं दिया गया, इसको कर लेना, और एक्टिविटी जो बेसिस क्वेश्चन इसको दिया गया है समिता का इसको करके रखना, और आप लोग को एक्टिविटी ऊपर दिया गया है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं जो 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 इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ उसको करके रखना बस जितना एक्टिव। यहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बट यहाँ पर देखो इसको GST किस तरीके से, RGST क्या है, SGST क्या है, उसको अच्छे तरीके समझ के बस एक्टिविटी बस यहाँ से करके रखना, बस एक्टिविटी करके रख लेना तो करके रख लेना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम सेट बी भी दिया गया, इसमें से भी एक्टिविटी अच्छे तरीके से करो। अब यहाँ आता है प्रोबेबिलिटी, इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों को इसमें यच ए वाला देखो, इसको थोड़ा पत्ते वाला थोड़ा सा कार्ड वाला समझ के रख लेना कितना होता है उसको समझ के रख लेना, और हेड और टेल उसको समझ के रख लिए बात खत्म हो जाएगा। और ए देखो इसको मैं छोटा थोड़ा छोटा करके इसको बता देता हूँ, इसको पूरा बॉक्सेस आप लोग को याद कर लेना रहेगा, याद रखना इसको याद कर लोगे तो बहुत इम्पोर्टेंस है आप लोगों को पेपर के लिए, याद रखना फिर बाद में मत बोलना कि बताए नहीं थे। देखो एक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, याद रखना ए वाला और ये याद रखना तो याद रखना, और यहाँ पर एक दिया गया ए, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आप लोग को दिया गया देखो, और आगे और आगे और आगे आ जाओ फटाफट आ जाओ, जो ये फार्मूला याद करके रख लेना,
और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन से एक्सरसाइज जो दिया गया है उसको करके रखो दोनों, और उसके बाद आप लोग को कार्ड वाला जो दिया गया इसको तीनों और ये बॉक्सेस का अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद आप लोग को टो कार्ड यहाँ पे दिया गया देखो, एक ए वाला देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन है याद रखना जो बोल रहा हूँ, पांचवा और छठवा। और उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए देखो, एक ए डायग्राम को करके रखो, और आप लोग को कौन सा करना चाहिए देखो लास्ट चैप्टर, इसमें से मॉड मीन बस याद रखना, मॉड मीन किस तरीके से फाइंड आउट होगा बस याद रखना, और उसका फार्मूला याद कर लेना बस, जो बोल रहा हूँ बस इसका क्वेश्चन पहला करके रख लो अच्छी तरीके से। उसके बाद और ये सेकंड वाला करो, देखो जो जो बोल रहा हूँ बस उसको करके रख लो, बात खत्म हो जाएगा। मॉड और मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो समझ के आप लोग रख लेना, क्योंकि पेपर में वही चीज पूछेगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझना रहेगा। देखो इसमें से क्वेश्चन पहला करो, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लो प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीन इधर से करो तीन, और आगे आ जाते हम लोग। देखो इधर दिया गया है ए वाला फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंस है पहले बता रहा हूँ, ए वाला फार्मूला पूरा अच्छी तरीके से इसको पढ़ के रख लेना। उसके बाद और आगे आ जाते हम लोग, इसमें से देखो ये सब जो दिया गया ना सॉल्व एग्जांपल, इसको सबसे पहले करके हटा दो। अभी भी जो इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा पूरा अच्छी तरीके से कर लिए तो काम पड़ जाएगा मेरे भाई। इसमें से आप लोगों को करना रहेगा तो पहला करो, दूसरा करो, बात खत्म हो जाएगा, दो करके रख लो। ये वाला याद रखना क्या चीज़ कब होता है, कि यफ यल क्या होता है, यफ ऑन क्या होता है, उसको समझ के रख लो। उसके बाद इसमें से देखो ये क्वेश्चन आप लोग इसको करके रखो, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोग सॉरी एग्जांपल देख ले रहे हो ना तो आप लोग का कंप्लीट है। देखो 6.3 से आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से आप लोग वो कर लिए ना तो बात खत्म है। और देखो इसमें से एक ए वाला क्वेश्चन करके रखो, देखो 6.4 से पहला कर लो, तीसरा कर लो बस। देखो इससे रिलेटेड आप लोगों से इधर देखो ये क्वेश्चन ये हो गया, और आप लोग को कौन सा करना चाहिए देखो, ये देखो ये जो दिया गया इसको एग्जांपल सॉल्व कर लेना। इसमें से देखो ये क्वेश्चंस एक करके ही जाना याद रखना, एक्टिविटी भरने वाला कर लेना। जो जो बता रहा हूँ अब देखो ये बस इतना ही है, आप लोगों को इसका फिलिंग द ब्लैंक से याद करके नहीं एमसीक्यूज बस, बाकी और कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस इतना सबसे पहले अगर आपको इसके रिलेटेड ही आएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आपको कमेंट करके, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो।